इस देश में एक बहुत बड़े काम को हम अंजाम देने के लिए तैयार हैं और आपके साथ मिलकर देश के अंदर हुकूमत लेने के लिए ऐलान करते हैं। साथियों, संविधान सम्मान तो हमें करना ही है, संविधान से हमारा अस्तित्व है, संविधान से हमारे बच्चों का, हमारे आने वाले जनरेशन का, हमारे हक अधिकारों का वाहन होता है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ संविधान सम्मान करते रह जाएंगे और सत्ता हुक्मरान नहीं बनेंगे या हुक्मरान नहीं बनाएंगे, समाज के अंदर नेतृत्व पैदा नहीं करेंगे, तो शायद जब तक नेतृत्व पैदा नहीं होगा तो सम्मान भी करने वाले पैदा नहीं बचेंगे। इसलिए मैं ये बता देना चाहता हूं, आज भारतीय संविधान पर बहुत ज्यादा हमारे सामने चुनौतियां हैं, उनके सामने हमारे लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। संविधान आज खतरे में है, आपका अस्तित्व खतरे में है, बहुजन समाज का नौजवान, हमारे आने वाली पीढ़ी खतरे में है। इस देश के अंदर हम लड़ाई में आमने सामने की लड़ाई पर आज आ गए हैं। यह हमारा दायित्व बनता है, ये बहुजन समाज के लोगों का यह अधिकार बनता है, फर्ज बनता है कि आइए इस आंदोलन को, इस क्रांति को, भारतीय संविधान को, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, हमारे महापुरुषों को और इस देश की मूल निवासी बहुजन समाज को और आने वाले हमारी जनसंख्या और हमारे बहुजन बच्चों को इस देश के अंदर शासक वर्ग बनाकर इस देश को महान बनाएंगे, इस देश को दुनिया के अंदर विकसित देश बनाएंगे, इस देश को ऐसा राष्ट्र बनाएंगे जो वास्तव में संविधान पर चले, जो वास्तव में यहाँ के महापुरुष क्रांतिकारी लोगों के आदर्श पर चले और वास्तव में इस देश का जनमानस, इस देश का गरीब से गरीब आदमी जो आज तक लाइन में नहीं खड़ा हो पाया, जो आज तक कहीं जिसकी गिनती नहीं हुई, जो आज तक कहीं भी राजनीति या सत्ता में कहीं पर भी खड़ा नहीं हो सकता, वो दूर दराज में रहने वाला मेरा भाई बहन, उसकी गिनती यहाँ पे करने के लिए एलडीएफ आज मैदान में आया है। उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के हम आगे लाएंगे, उन गरीब भाइयों को जो कहीं पर भी नहीं खड़े उनको आगे ला के नेतृत्व देंगे, उनके अंदर जागरूकता फैलाएंगे और देश के अंदर एक इतना बड़ा मकाम पैदा करेंगे, इतना बड़ा हम यहाँ पे अंजाम पैदा करेंगे, एक अंजाम को जो ना हम वो साकित करेंगे जहां जाके हमारे उद्देश्य और हमारा ये प्रयास सफल हो। इसलिए मैं आज इस कार्यक्रम में बस यही कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से आज तक मुझे आप लोगों ने प्यार और सम्मान दिया और हमारी शक्ति जो मेरे साथ आज है और यहाँ पर आए मेरे सभी बुद्धिजीवी, मेरे एक्टिविस्ट इंटेलेक्चुअल समाज के हमारे विशेष और हमारे आदरणीय और सभी युवा वर्ग साथियों, माताओं बहनों, मैं आपका यहाँ पर आने पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस कष्ट और बड़े त्याग के प्रयास में, हमारे इस आंदोलन में, इस क्रांति में, जैसा भी आप, जितना भी आप अपना तन मन धन समय निकाल कर इस आंदोलन को आसमान तक ले जाने के लिए आप हमारा साथ दें, हमारे साथ खड़े होकर विश्वास और हौसला बढ़ाएं, हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में ये देश हमारा होगा, देश के मूल्यवासी शासक होंगे, आने वाले जनरेशन देश के अंदर ऐसा फील करेगी कि वास्तव में एक टीम इस देश के अंदर ऐसी चली थी जिसने बहुत बड़े झंडे गाड़कर हमारे आम नाम और काम को आसमान तक ले गया। ये ऐलान हम आज करते हैं और इसके लिए हम आपका एहसान और आपका साथ, आपका विश्वास चाहते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए इस कार्यक्रम की प्रस्तावना यही कहना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई जातिगत हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, यहाँ किसी धर्म के ऊपर हम कोई कटाक्ष नहीं करेंगे, हम बुद्धिस्ट लोग हैं, हम इंटेलेक्चुअल लोग हैं, संविधान से चलने वाले आदमी हैं, हम किसी की धर्म और जाति की भावना को ठेस ना पहुंचाकर इस देश के लिए जो वास्तव में जो संवैधानिक तरीके से हमारी बात हमें रखनी चाहिए, सरकार और समाज के बीच में जो मैसेज जाना चाहिए वो बात यहाँ पे सभी वक्तागण रखेंगे और ऐसा मैसेज जाएगा देश में। आज आप देखेंगे थोड़ी देर में ये हाल तो भरेगा ही भरेगा, बाहर भी लोग नहीं मिलेंगे, ऐसा एक हमें अंजाम, ऐसी हमें एक जो ना आशंका हो रही है।